हेलो गाइस, गॉड ब्लेस यू। रामज भाई अपना गांव में करनखेड़ में यहां चौकड़ी पे आया हुआ है। यहां होली, बरसों से यहां होली मतलब जलाते हैं गांव के लोग। जब हम लोग छोटे थे उसी टाइम में तो इतना ज़बरदस्त मज़ा आता था। चारों ओर से लोग आते थे, दूसरे गांव के लोग भी आते थे। लेकिन दोस्तों अभी लोगों में इतना जो मतलब उमंग होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो हर्ष होना चाहिए, वो हर्ष अभी देखने को नहीं मिलता है। कुछ लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हीं लोग इनमें हिस्सा लेते हैं, जवान लोग इतना मतलब इतना इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। अभी तैयारी हो गए हैं, इधर उधर से सब लकड़ी वगैरह लाए हुए हैं। देखो वो मतलब ऊपर में एक बम्बू टाइप का, वो पहले यहाँ जब हम लोग छोटे थे उसी टाइम में एक पारसी समाज का एक बंदा रहता था। वो बंदा वहाँ अभी वहाँ बुनियादी है, वहाँ से एक बंदा बंदूक लाता था। तो बंदूक ला करके जो बम्बू है ना, बम्बू है ना उसमें गोली मार करके उसको बीच में से गिराता था। लेकिन अभी वो बंदूक वाला अभी चला गया है, नवसारी में चला गया, इधर नहीं है। अभी तो अलग अलग रीति से सब यहाँ ये करते हैं, ये लोग मनाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा गांव का एक झलक आप लोगों को दिखला दिया। हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, चार हिस्सों में बटा हुआ है। तो कभी आइएगा इधर तो ये देखो सारे दुकान इधर। वहाँ से चौकड़ी से आओगे तो एकदम वहाँ पूरा रास्ता में दुकान ही दुकान है। आपको दिखाई देखा भिंडे वाले भी है, भिंडे ये भाई लोग सोफा वाले हैं। ये सोफा आप लोगों को मतलब ये महाराष्ट्र है, ये लोग महाराष्ट्र है, शिरडी से है, नासिक हमारे गांव में आए हुए हैं ये लोग। मैंने इनसे पहले परमिशन लिया भाई कि मैं यहाँ बैठ के मतलब एक छोटा सा व्लॉग बनाना है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। इनको भी मैंने शामिल कर लिया है, लोग भाई लोग कभी मिल जाएगा। आपका ये बिजनेस है, ये बिजनेस है ना? तो दोस्तों मतलब कम दाम मिल जाएगा सोफा वगैरह पूरा। दो चेयर और एक सोफा। तो दोस्तों कम दाम में मिल जाएगा, आप लोगों अगर खरीदना है तो कहीं भी लोग बाजार लगाएगा तो वहाँ आप खरीद कर लेना। बढ़िया घर में बैठने के लिए, मैं भी इधर बैठा तो बड़ा मज़ा लग रहा है मेरे को। मैं बढ़िया सा एक व्लॉग बना लिया हूँ इधर शाम का टाइम में। अभी यहाँ होली जलाने के लिए सब इधर उधर से चारों ओर से लोग आएंगे, हमारे गांव के लोग। तो एक छोटा सा झलक, कहता है ना रामज भाई ऐसा, मैं हर चीज़ को मानता हूँ, इसलिए मुझे कोई मतलब धर्म से कोई मतलब नहीं है। रामज भाई यही समझता है कि इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, हर एक लोग मतलब जिसको भी माने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों किसी से कोई बैर नहीं रखना, हर एक भाई बहन मतलब प्यार से रहे, बस इस दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों। एक दूसरे को बांटने के लिए कुछ नहीं है, धन दौलत कितना भी बांटो उससे कोई मतलब प्यार नहीं बढ़ता नहीं। लेकिन दोस्तों प्यार बांटोगे ना तो प्यार बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों पैसे से प्यार नहीं खरीद कर सकते। तो दोस्तों दिल में जो प्यार मोहब्बत है ना, वो सबसे बड़े चीज़ है। एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से गले लगाओ, वही बात है। तो दोस्तों हर एक लोग मिल मिलाप से रहे, प्यार से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे दोस्तों। हर एक जगह में उठो बैठो कोई बात नहीं है, जो जिसको मतलब चाहते हैं, जिसको प्यार मोहब्बत करते सिर्फ एक ही को मोहब्बत करते हैं। इसलिए कहते हैं ना दुनिया में कि चांद चांदनी से होते सितारों से नहीं, चांद चांदनी सी होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत तो सिर्फ एक ही सी होती है हजारों से नहीं, ठीक है ना? तो दोस्तों यही बात है, धर्म वाली भी बात यही है दोस्तों। एक छोटी सी बात मैंने रख दी है, बुरा नहीं लगा ना, क्योंकि जो प्यार करने वाले धर्म की बात है दोस्तों, उसमें ज़्यादा गहराई में मत जाओ। हम लोग एक दूसरे का सुन करके मतलब अपनी लाइन चुक जाते हैं, लेकिन दोस्तों लाइन चुकना नहीं है, जो दिल कहता है ना वही करो दोस्तों। इसलिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।